अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल नाजम अली एंड मुश्ताक अली में। आज हम आपको रिव्यू करवा रहे हैं टाटा एलपीटी 16। आज हम आपको रिव्यू करवा रहे हैं टाटा 16 2011 मॉडल गाड़ी का, जो हमारे पास मॉडिफिकेशन के लिए आई है। ये हमने गाड़ी समीर भाई को बनाकर दिए हैं, जो खुद एक ब्लॉगर हैं। आइए जानते हैं हम उनसे कि ये गाड़ी उन्होंने किस तरीके से मॉडिफिकेशन किन रिक्वायरमेंट को मद्देनजर रख के बनाई है। समीर भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या ठीक हो? गाड़ी होगी रेडी आपकी? गाड़ी हो गई मस्त। समीर काफी दिन से ब्लॉग डाल रहा है, गाड़ी रेडी नहीं हो रही है। अब ये खुद ही बताएगा कि गाड़ी इसकी रेडी क्यों नहीं हो रही है। गाड़ी इसलिए रेडी नहीं हो रही थी क्योंकि भाई नंबर जो था मेरा वो भी पीछे था। गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा लगी है नाजिम अली मुश्ताक अली बाड़ी वर्कशॉप पे, क्योंकि वो इसलिए लगी है क्योंकि भाई इसका काम जो है एक नंबर का होता है। मेरी गाड़ी में जो है केबल बहुत ज़्यादा जो है ख़राब हो चुका था, तो मुझे आगे वाला थोड़ा बहुत काम कराना था पहले, लेकिन फिर मैंने काम देख के पूरा ही आगे से पीछे तक बहुत सारी मॉडिफिकेशन कर दी। आइए गाड़ी की तरफ हम आपको ले चलते हैं। समीर भाई ने गाड़ी में पहले ही मतलब कैबिन नया बनाया है, गाड़ी का अंदर का व्यू करवाते हैं हम खुद समीर भाई से। चलिए समीर भाई दूसरी तरफ से आइए। हाँ जी समीर भाई, तो बताइए गाड़ी में क्या क्या खासियत रखी है हमने? जी मुझे केबन इसका खास तौर से पहले मुझे केबन बनाना था, जो कि मैं नाजिम माइक भाई को बोला कि आप अपने डिजाइन से बनाते हो या जो आपके पास कस्टमर आता है उसके हिसाब से बनाते हो। तो नाजिम भाई ने मुझे बताया कि आप अपने हिसाब से बता दो, जो भी बनाना है हम बना के देंगे। तो मुझे एलईडी केबन बनाना था, तो एलईडी केबन बना दिया जिसमें रात को नाइट में लाइटें चलती है। अभी तो चलेगी नहीं क्योंकि ये लाइटें जो है नाइट में ही अच्छी लगती है, तो नाइट में भी दिखाते हैं आपको इसी वीडियो में। और ये सारा कुछ जो है नाजिम भाई के जो बंदे हैं बहुत ही जबरदस्त बंदे हैं, जो जो मैंने बोला है वो काम बराबर करके दिया, मुझे कहीं पे भी निराश नहीं किया उन्होंने। तो गाड़ी में मतलब आपको कैबिन में आपने अपनी तरफ से स्पेशल क्या करवाया है इसमें? अभी मैंने स्पेशल जो है, एक तो आज ज्यादा बंदे जो है 3 छत्ती लगवाते हैं, मैंने 5 छत्ती का ऑर्डर बनवाया जी। और जो है ये फ्लावर सीनरी जो है ये मैंने बनवाए और इसमें लगा दिए। और स्पेशल ये पीछे पहले के टाइम में ट्राला नहीं लगता था, अभी मैंने इसमें ट्राला लगवा दिया। और गाड़ी के डैशबोर्ड आपने अपनी डिजाइन से बनवाया है समीर भाई? जी अपनी डिजाइन से। ठीक है, तो बता सकते हो हमारे व्यूअर्स को कि ये किस किस बक्से का क्या क्या पर्पज रहता है? ये वाला बक्सा जो है इसमें हम जो टोल की पर्चियां वगैरह होती है वो रख देते हैं जी। और इस साइड में जो बाकी कागज वगैरह गाड़ी के होते हैं छोटे मोटे वो रख देते हैं। ठीक और है। ये वाला टायर हो गया, कुछ सामान जो है लॉक वाला वो रखने के लिए। ये बक्सा ये आपने खाली क्यों रखा है यहाँ पे? इसमें अभी एलसीडी लगना है। ठीक है, एलसीडी ये रिवर्स कैमरा के साथ में लगेगा। ठीक है ठीक है ठीक है। और गाड़ी के पेपर्स रखने के लिए किन ड्रॉर्स का यूज करते हैं? के लिए ये वाला डोर जो है ये काम आएगा, जो कि लॉकेबल सारे जो है सारे बक्से जो है लॉक वाले दे दिए है नाजिम भाई ने मुझे। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि सारे बक्सों में जो है लॉक मिलेगा, मुझे पहले से ही लगता था कि एक बक्सा ये रहेगा और एक ये दो, लेकिन मुझे जो है सारे बॉक्सों में लॉक लगा के दिया इन्होंने। चलो आप बॉडी का रिव्यू करवाओगे अभी हमें? हाँ जी चलिए। तो समीर भाई अभी हम बॉडी में बताओ हमने क्या क्या काम किया है। ये दिल्ली वाला जंगला हमने इसकी मॉडिफिकेशन के लिए लगाया है, जो पिछले वाली गाड़ी में नहीं बना था। ये दिल्ली वाला जंगला आपने अपनी चॉइस से डिजाइन बनवाया है? ये एक तो पहले ही मैं बताता हूँ, ये दिल्ली वाला जंगला है जो है यहाँ पे खुद ब खुद ऐसा ही बनाते हैं, और मेरी चॉइस भी यही वाली दिल्ली वाले जंगले की थी। और मैंने इसको कब्जों पे बनाया ताकि कभी कभार गाड़ी को मैकेनिक को काम पड़ता है इसकी, इसलिए इसको कभी उठाना पड़े, अगर ठोस बना देते तो मुश्किल बहुत हो जाती, उसके लिए हमने इन पे कब्जे डाले हैं ताकि ये कल को उठ जाए ऊपर और मैकेनिक अपना काम कर। और यहाँ पे हमने जो सीढ़ी लगाई है मोटे
पाइप से लगाई हुई है, क्योंकि भाई अगर एंगल लगाते हैं उससे चढ़ने में थोड़ा बहुत हाथ में दर्द होता है, इसलिए मैंने कह के बोला कि इधर पे पाइप ही लगा दो। बाकी किसी की मर्जी होती है, कोई एंगल डाल लेता है, कोई कुछ। मुझे तो पाइप ही पसंद थी, मैंने बोला पाइप लगा दो। बाकी चादर जो है अपनी लगी हुई है, और जो ऊपर लगड़ी करे वो भी अपनी लर बोलते। तो चादर जो है अपनी लगी हुई है, और जो लरे हैं वो भी अपनी ही है। मुझे गाड़ी का जो हमने मडगार्ड बनाया है, ये समीर भाई बताएंगे इसके बारे में। तो यहाँ पे आ जाते हैं मडगार्ड पे, जो कि मडगार्ड ये लोग बहुत बढ़िया बना के देते हैं, जो कि सिंगल पीस में बना के देते हैं। कहीं पे काम करने जाओ वो काट दो। तो यहाँ आ जाते हैं मडगार्ड के पास, जो कि मडगार्ड है, यहाँ पे सिंगल पीस में बना के दे देते हैं। अगर कहीं और पे काम कराने जाओ, वहाँ पे आप देख लो कि वहाँ पे जोड़ पे बनाया जाता है मडगार्ड, लेकिन यहाँ पे सिंगल पीस में मडगार्ड भी बना के दे देते हैं। ये जो गाड़ी का दिल्ली वाले जंगले का पीछे वाला सेक्शन है, ये भी हमने ये समीर भाई के डिजाइन से बनाया है। अमूमन बाकी जगह पे ये सिर्फ सिंगल पाइप लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पे भी हमने 3-3 पाइप है ये जो यूज किए हुए हैं। गाड़ी के साथ हमने स्लैपर गर्द खोरा बनाया है, और इसके ऊपर हमने स्टील की प्लेट भी चढ़ाई है, जिसके ऊपर प्रॉपर रेडियम का अच्छा काम होता है। चलते हैं गाड़ी के डाले। तो अभी हम चलते हैं डाले की ओर। तो समीर भाई, हमने इस गाड़ी का डाला क्यों बनवाया है आपने दोबारा? जो मेरा पहले वाला डाला था वो 28 इंची का था, और थोड़ा बहुत खराब भी हो गया था, तो मैंने नए मॉडल का जो है डाला बनवा दिया 30 इंची का। और जाली जो है पुराने मॉडल में, आप देख सकते हो कि पुराने मॉडल में लगभग यहाँ तक जाली आ जाती है, तो मैंने इसमें 2 इंची बढ़वा के पूरा नए मॉडल का जाली भी बनवा दिया और डाला भी, और सुपेर फटे तो आप लोग देख ही सकते हो। बाकी इससे एक्स्ट्रा मैंने बनवाया है हॉपर प्लेट, गाड़ी की लुक और ज्यादा गाड़ी को खूबसूरत करने के लिए पीछे से डाले से। तो हापड़ प्लेट पे आप कोई शायर वगैरह लिखवाओगे अपनी चॉइस से? वो तो लिखवाना ही पड़ेगा। चलो अभी गाड़ी की इस साइड पे अगर लुक पे हम देखें तो बिल्कुल डिटो कॉपी, इस साइड भी हमने जंगले बनाए हैं। और फाइनली जो हम गाड़ी के अगर देखें, इस साइड के ऊपर भी दोनों साइड ये सीढ़ी लगाई है पाइप की। और अभी हम इसका ऊपर वाला सेक्शन है, जो ऊपर टूल बना है गाड़ी का, उसके ऊपर चलेंगे और वहां का रिव्यू करवाएंगे। तो अभी आ गए हैं कैबिन के ऊपर टूल वाले सेक्शन में। समीर भाई, ये टूल आपने कैसे बनाया है? तो टूल जो है हमने पूरा जो है लकड़ी का बनाया हुआ है, क्योंकि लकड़ी का जो है बहुत बढ़िया रहता है, क्योंकि हम बर्फ वाले इलाके में चलते हैं, वहां पे पुलाई का थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। और इसमें हमने ढक्कन भी जो है पूरा लकड़ी का बनाया हुआ है, इसमें ढक्कन हमने लगाए हैं 2, क्योंकि इस साइड में गैस रहता है तो टूल का ढक्कन जो है खुला रहता है, तो ये बेंड ना हो, इसलिए हमने अलग अलग इसके 2 ढक्कन बना दिए हैं। ये वाला ढक्कन जो है बंद रहेगा, और गैस के लिए ये हल्का सा खुला रहेगा, तो इससे हमारी जो है टूल का जो ऊपर वाला ढक्कन है वो सेफ रहेगा। और गाड़ी के ऊपर ये आपने लकड़ का टूल क्यों बनाया है, इसका रीजन बताओगे हमें? इसका रीजन है कि ये गाड़ी जो है टूल मजबूत रहता है, और बर्फ बर्फ में फिट रहता है, बर्फ में इसको कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। और इसके अलावा ये पाइप डलवा दी कहीं पे, जैसे पेड़ की टहनिया वहनिया होती है, सेब पे भरने जाते हैं वहाँ पे तो लगते ही लगते हैं, तो टूल को कोई नुकसान ना हो इसलिए हमने ये पाइपें लगा दी। बॉडी में आप बता सकते हो कि हमने आपने क्या क्या काम करवाया है? तो बॉडी में जो है फर्श में 1-2 जगह मेरा थोड़ा बहुत रिपेयर था, वो कर दिया, और आगे सामने जो है चादर लगा दी, और पीछे जो है 2 का हमने चादर चेंज कर दिया। 2 का चादर आपने क्यों चेंज करवाया है? क्योंकि 2 का चादर जो है पूरा खराब हो चुका था, इसलिए मुझे वो चेंज करवाना पड़ा। तो दोस्तों, ये था फाइनल व्यू समीर की गाड़ी का, और अभी इसका फाइनल व्यू हम करवाएंगे गाड़ी के पेंट होने के बाद। लेकिन एक बात समीर भाई से पूछने को रह गई है, समीर भाई इसका जवाब है, उम्मीद करते हैं जरूर देंगे। समीर भाई, आपकी गाड़ी में एक लोगो लगा हुआ है, इस लोगो का मीनिंग बताओगे आप क्या है? अगर मैं बताऊं, मुझे पता नहीं है खुद ये लगाया मैंने कब और क्यों लगाया और मीनिंग क्या है, क्योंकि मुझे हिंदी आती नहीं है टोटल।
0। कमेंट्स में जरूर बताना समीर को कि ये क्या लिखा है, और समीर भाई को टैग करके बताना। मुझे कुछ नहीं पता है कसम।